सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो दिन है वो है 14 फरवरी, और आज जो है वो सरस्वती पूजा हम लोग यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी अच्छे से दिखाऊंगा, और थोड़ा बहुत अच्छा सेटअप लगाया गया है। और आज के ही दिन पुलवामा में हमला हुआ था 2019 में, तो मैं उन तमाम सोल्जर्स के फैमिली को सांत्वना देता हूँ, और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज का जो दिन है वो काफ़ी खास है, क्योंकि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ में सरस्वती माता को काफ़ी बड़ा रोल होता है, और हमारे जीवन को सक्सेस बनाने में। गाइज, यहाँ आने की जो टाइमिंग मुझे बताई गई थी वो थी 8:15, और अभी यहाँ पे कोई नहीं। आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा सुन सन्नाटा हो रखा है, मतलब कुछ स्टाफ वगैरह है, साफ़ सफाई हो रही है, बाकी ऑफिशियली फैकल्टी वगैरह कोई नहीं है, बच्चे नहीं हैं, हायर अथॉरिटी नहीं है, मतलब सबसे पहले मैं ही आ चुका हूँ। खैर, अच्छी बात है, कहीं भी टाइम से पहले पहुँचना चाहिए। हालांकि टाइम से थोड़ा सा लेट था मैं, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं, मैं टाइम पे हूँ। धीरे धीरे देखते हैं कि लोग आएंगे तो आपसे भी मिलवाता हूँ मैं, और चलिए वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? आज तो अपने को अच्छे से सेलिब्रेट करना है सर ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप अच्छे लग रहे हैं आज, बियर्ड ट्रिम करा के। अभी मैं बैठूंगा पूजा पे। आपको आपको ही पूजा में बैठना? अरे सर, बैठेंगे पूजा पे, ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और सर इतना सारा सामान लेके आए हैं, और अपना यही छोटा सा मंडप है, इसको डेकोरेट भी करना है नेचुरल फ्लावर से। ओके सर। ये आर्टिफिशियल का काम कल हो चुका था। ओके, हम लोगों ने किया है, और अभी हम लोग इसको नेचुरल फ्लावर से सजाएंगे। चलिए चलिए, आपको हेल्प करते हैं सर हम लोग। इधर हमारे एक जूनियर है, राम नाम है इनका, और हाय करो भाई। तो आज हम लोग ये सरस्वती पूजा के थोड़ा प्रोग्राम मैनेज करेंगे। ओके, ये देखिए सामने में हमारा जो फाइनल लुक निकल के आया, एक लाइट में हो सकता है तो लगवा दूंगा इसमें। और ये इधर, ये जो है साइड खाली था, राइट साइड, तो इधर मैंने एक यहाँ का ब्रांडिंग के लिए फ्लैग्स लगवा दिया। कैसा लग रहा है मंडप, ज़रूर बताइएगा। मनीषा जी कैसी हैं? हाय कीजिए, कुछ कहिए। ये है, इसको लीडर बनना है, और आती है लेट सारा काम होने के बाद, ताकि कुछ करना ना पड़े। ये देखो, ये हमने कंप्लीट कर दिया। हमने मनीषा से मेहनत वाला काम कराया। कैसा लग रहा है मनीषा, इतना मेहनत वाला काम करके? वहाँ पे एक लाइट लगाना है वो मंडप में, और ये भैया हैं, इनसे हम लोग अभी लाइट लगवाएंगे। अच्छा फोटो 4K में ले रहे हैं, अच्छा बोल रही है। चेहरा अच्छा कहाँ से लाएगी मनीषा, चेहरा अच्छा कहाँ? सारी उम्र में जो चेहरा अच्छा कहाँ से लाओगी? जैसा कि पूजाओं में अक्सर होता है, अभी कुछ सामान कम गया, जैसे पान का पत्ता और घी, वो लाने जा रहे हैं मार्केट। घी ले लिए, अभी पान का पत्ता ले रहे हैं यहाँ से, और डायरेक्ट अब से यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। दिवाकर आया मेरे साथ, हाय करो दिवाकर। सो गाइज, अभी अपन, जैसा कि आपको पता है कि मैं कैमरा यहाँ यूज़ करता हूँ, अभी कैमरा निकालते हैं और फोटोज खींचते हैं।
सर एक्सक्यूज मी सर, कैसा लगा सर पूजा करके आज? बहुत बहुत अच्छा, मतलब एक धार्मिक शांति जो होती है, एक आध्यात्मिक शांति की जिसकी हम बात करते हैं, वो एक अतुल्य है, उसको आप किसी भी साधना से नहीं पा सकते। सर बहुत अच्छा लगा आज का जो हमारे यहाँ पूजा हुआ, और हमने स्पेशली गणेश जी को भी पूजे में ऐड किया, और उनका भी प्रॉपर
पूजा जी का पूजन तो हर एक पूजा से पहले होता है, ये हमारी परंपरा ही है, इसलिए गणेश पूजन तो अति आवश्यक है। जी सर, इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल में आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। और भी मैं इन लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली पूजा तो कंप्लीट हो गई जैसा कि आपने देखा ही, और बहुत मज़ा आया, क्या मतलब क्या बोलूँ। और आज का जो इवेंट, जो मीडिया कवरेज था, मतलब फ़ोटो वगैरह जो भी था, वो मुझे लेने का मौका मिला, और इस दौरान मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, काफ़ी अच्छा लगा गाइस। आप लोगों ने भी देखा ही होगा। और ये हमें बोल रहा था भाई कि हम लोग का वीडियो नहीं किए, ये लोग सभी लोगों का इधर तो खाएंगे नहीं क्या। ये लोग का भी मेहनत है, सबको काफ़ी शुक्रिया। और सर भी हैं हमारे साथ प्रसाद बनाने में। पूजा तो कंप्लीट हो गई, ये दूसरा दिन है, और मैं वीडियो व्यस्त होने के कारण एडिट नहीं कर पाया था, तो अभी एडिट किया, काफ़ी अच्छा वीडियो निकल के आया, जैसे कि आपने देखा ही। एक दिक्कत हो गई थी, मैंने ये नए वाले फ़ोन से शूट किया था, तो ये 4K में था, और ये जो एडिटिंग जो मैंने किया वो पुराने फ़ोन से किया, क्योंकि अभी नए वाले फ़ोन के लिए मेरे को एक अच्छी ऐप चाहिए जिससे मैं एडिट कर पाऊँ 4K में। और जो पुराना था उसका वाटरमार्क हटा के, मतलब वो खरीदा हुआ ऐप नहीं था लेकिन फिर भी वाटरमार्क उसमें नहीं आता था, तो अभी एडिट करने के लिए एक ऐसा ऐप चाहिए जिसमें वाटरमार्क ना आए, तो वो परचेज करना पड़ेगा। कुछ दिन में मैं परचेज कर लूँगा, तब तक के लिए फिर भी बहुत अच्छा क्वालिटी निकल के आया है इस वीडियो का। और ज़्यादातर म्यूजिक ही है, मैं बात नहीं किया, ज़्यादातर जो फंक्शन था वो दिखाया मैं आपको। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो का क्वालिटी कैसा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।